हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ केडी बोर्सेस सर, बायोलॉजी सब्जेक्ट टीचर। बायो इन्फो चैनल से आपको गाइड करता हूँ। 12 साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट सिलेबस कंटेन चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ये लेक्चर में आपको इस चैप्टर पर ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेन टीजर 10 MCQs देखने को मिलेंगे, जो MCQs नीट जैसे एग्ज़ाम में आप देख पाएंगे। MST, CET और PMT जैसे एग्ज़ाम में आपको ये 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट 10 MCQs क्वेश्चन जो ब्रेन टीजर कहलाते। MCQ नंबर 1, फर्स्ट, हाउ मेनी स्पर्म प्रोड्यूस फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियम एंड 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रिस्पेक्टिवली। मीन्स 1 स्पर्मेटोगोनिया एंड 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस हाउ मेनी स्पर्म्स। इज इट 4 एंड 8? इज इट 8 एंड 16? इज इट 16 एंड 8 एंड लास्ट 8 एंड 4? तो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है डी, 8 एंड 4। मीन्स 8 स्पर्म प्रोड्यूस फॉर्म स्पर्मेटोगोनियम एंड 4 स्पर्म प्रोड्यूस फ्रॉम 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो डी ऑप्शन करेक्ट कैसा हो सकता है? आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस जब होती है तो स्पर्मेटोगोनियम सेल, आपने सुना होगा स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड सेल होता है। स्पर्मेटोगोनियम सेल अंडरगोज माइटोसिस टू प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनियम सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते, तो 1 माइटोसिस प्रोड्यूस 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस। मीन्स मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड टू प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटिड। इमैच्योर स्पर्म्स, दिस इमैच्योर स्पर्म्स लेटर ऑन डेवलप इनटू स्पर्मेटोजोआ और मैच्योर स्पर्म्स। मीन्स सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ। एंड नो डाउट आपको पता है 1 स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस करता है 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस टोटल 8 स्पर्म, 4+4 एंड 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 8 एंड 4। मीन्स 8 स्पर्म प्रोड्यूस फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियम एंड 4 स्पर्म प्रोड्यूस फ्रॉम 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। होप दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ MCQ नंबर 2, During ovulation, ओहम release from ओहरी captured by, जब ovulation होता है तो 1 ओहम release होता है। ओहम को हम secondary oocyte भी बोलते हैं। So ओहम release from ओहरी captured by, is it peristaltic moment of fallopian tube, ciliary moment of fallopian tube, moment of fimbri around the infundibulum of oviduct, attraction of ohm due to presence of hyaluronic acid around the ohm? तो ये जो चार ऑप्शन है ABCD, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको देखने मिलेगा moment of fimbri around the infundibulum of oviduct।
देख सकते एक्सप्लेनेशन। ओवरी प्रोड्यूस करती है ओहम एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ओवुलेशन प्रोसेस, ग्राफाइन फॉलिकल रप्चर्ड टू रिलीज वन ओहा ओहम, सच ओहम इज कैच अप बाय फिम्बरी पार्ट ऑफ द इनफंडिबुलम ड्यू टू मोमेंट ऑफ फिम्बरी, ओहम कैच अप एंड इंट्रोड्यूस इनसाइड द ऑस्टियम, सो कैप्चर्ड ओहम रिलीज फ्रॉम ओवरी इज बाय मोमेंट ऑफ फिम्बरी अराउंड द इनफंडिबुलम ऑफ ओविडक्ट। ए करेक्ट ऑप्शन सी, एमसीक्यू नंबर 3। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज इट प्रिपेयर यूटेरस टू प्रेगनेंसी, स्टिमुलेट सेकेंडरी ओसाइट, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ए एंड बी करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट एंड बी इज करेक्ट, ए एंड सी करेक्ट, बी एंड सी करेक्ट, 4 ऑप्शन 3 स्टेटमेंट, इज इट ए बी सी, दिस 3 स्टेटमेंट। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यू नो प्रोजेस्टेरॉन इज वन ऑफ द ओवेरियन हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, इट्स मेन फंक्शन प्रिपेयर यूटेरस टू प्रेगनेंसी, अल्सो सेकेंड मेन फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, सो ए एंड सी इज करेक्ट, मीन्स हियर सी ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट, बिकॉज stimulate secondary oocyte is not a function of progesterone, so A and C are the function of progesterone, so correct option is C, A and C correct. MCQ number 4, match column 1 with column 2. In column 1, test is ovary, vasa differentia, oviduct, scrotum, progesterone, ciliated epithelium, Dartos muscle, sperm duct and testosterone. Is it first sequence, second sequence, third sequence or fourth sequence is correct? You know, test is produce its hormone known as testosterone, so A match with 5. Ovary produce progesterone hormone, means B match with 1. Vasa differentia also called as sperm duct, so C match with 4. Sperm duct, oviduct, you know oviduct also called as fallopian tube, it contain ciliated epithelium cell, so D match with 2. And scrotum contain Dartos muscle, means E match with 3. So here noted 1, 2, 3, 4 option, the correct option is number 2. Test is 5 number, ovary 1 number, progesterone, vasa differentia, sperm duct, means 4 number, oviduct, ciliated epithelium, means 2 number, scrotum, Dartos muscle, 3. So correct option 5, 1, 4, 2, 3, 2 correct option. MCQ number 5, choose correct
statement about menstrual cycle of the following is: menstruation means bleeding through vaginal opening. यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन मींस में ब्लीडिंग होती है और वो वजाइनल ओपनिंग से थ्रू एक्सटेरियर आती है. मैच्योर ह्यूमन फीमेल कैन प्रोड्यूस 1 ओहम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल. यस, ये भी करेक्ट है. ईच एंड एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोड्यूस 1 ओहम, सो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सेकेंडरी ओसाइट रिलीज फ्रॉम 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन पोस्ट ओवुलेटरी फेज. यस, ए बी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि 14th डे इनसाइड द ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस 1 एग रिलीज करवाती है. नंबर 4th मीन्स डी, 6th डे टू 13th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज पोस्ट ओवुलेटरी फेज. This statement is wrong statement, because post ovulatory phase start होती है, आपको पता है, 15th day to 28th day. So this statement is wrong statement. 6th day to 13th day of menstrual cycle is post ovulatory phase. MCQ number 6. Corpora cavernosa are dorsolateral erectile tissue in the penis. Second statement. Corpus spongiosum is unpaired erective tissue directly around the urethra. These two statement is it both means 1 and 2 is correct. Option B, 1 is correct and 2 is incorrect. Number C option, 1 is incorrect and 2 is correct. And option number D, both 1 and 2 incorrect. So correct option in this ABCD is both 1 and 2 is correct statement. Why both statement is correct? See here explanation. You know, penis is copulatory organ of male, contain no doubt erectile tissues are present. Dorsolateral erectile tissue present in the penis known as corpora cavernosa. This banded dorsolateral tissues, erectile tissues known as corpora cavernosa, and this one is urethra. Around the urethra, corpus spongiosum, unpaired erectile tissue present. So in the penis, corpora cavernosa or dorsolateral erectile tissue in present. Corpus spongiosum is unpaired erective tissue directly around the urethra. So correct option A, both 1 and 2 statement are correct. So E option correct. MCQ number 7. Approximately how many eggs are produced by a normal healthy human female up to age 28 years if the age of menarche
इज 13 ईयर, एक फीमेल जो 18 ईयर एज की हो सकती है नॉर्मल हेल्दी, और उस फीमेल का मेनार्च स्टार्ट मीन्स स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एज 13 ईयर है. सो आई सी फीमेल अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी एग्स प्रोड्यूस करती होंगी, इज इट 500, इज इट 460, 364, 195. तो ये जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें करेक्ट ऑप्शन डी 195 एग प्रोड्यूस करती है, जो फीमेल का एज 28 ईयर्स होगा और मेनार्च 13 ईयर मीन्स स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 13 ईयर एंड एज 28 ईयर. एक्सप्लेनेशन हियर नोटेड, यू नो 28 ईयर एज नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन फीमेल माइनस 13 ईयर मेनार्चे एज इज इक्वल टू 15 ईयर रिप्रोडक्टिव एज, बिकॉज मेनार्च अगर माइनस किया एज में से तो रिप्रोडक्टिव एज आपको मिलता है, और रिप्रोडक्टिव एज इस फीमेल का कितना हो सकता है 15 ईयर. यू नो वन मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज करती है वन एग, सो वन ईयर में टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स होती है 13. सो रिप्रोडक्टिव एज इनटू मेंस्ट्रुअल साइकल्स इन वन ईयर मीन्स 13, रिप्रोडक्टिव एज 15 ईयर इनटू 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स इन वन ईयर, सो टोटल 195 मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर्स ड्यूरिंग द 15 ईयर दैट इज रिप्रोडक्टिव ईयर. नो डाउट वन मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोड्यूस करती है वन एग, सो 195 मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोड्यूस करती है 195 एग्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज अप्रॉक्सीमेटली 195 एग्स आर प्रोड्यूस बाय नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन फीमेल अप टू द एज 28 ईयर इफ द मेनार्च इज 13 ईयर. This is the correct option 195 D, MCQ number 8. If sperm fuse with ovum in post ovulatory phase, then second menstrual cycle start at the end of cycle. Second menstrual cycle stop up to childbirth. Corpus luteum degenerate and converted into corpus albicans. Corpus albicans degenerate and convert into corpus luteum. If the sperm fuse with ovum in post ovulatory phase, agar sperm ओहम से फ्यूज होता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज में, तो नो डाउट वो जायगोट बनता है. जायगोट से क्लीवेजेस, ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. सो ड्यू टू फर्टिलाइजेशन मीन्स स्पर्म फ्यूज विथ ओहम, सेकेंड मेंस्ट्रुअल फेज इज नॉट स्टार्ट मीन्स वन ऑप्शन ए इज not correct. Second menstrual cycle stop up to childbirth, ये option correct हो सकता है, क्योंकि अगर fertilization होता है
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है जब तक चाइल्ड बर्थ हो जाता, तब तक मतलब पार्चुरेशन कंप्लीट होने तक सेकेंड मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती। सो करेक्ट ऑप्शन बी। सी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट एंड कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स स्पर्म फ्यूज होता है ओवम से, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होके कॉर्पस अल्बिकन्स नहीं बनता। डी बी करेक्ट ऑप्शन नहीं क्योंकि कॉर्पस अल्बिकन्स डीजनरेट होके कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता। सो करेक्ट ऑप्शन इफ द स्पर्म फ्यूज विथ ओवम इन पोस्ट ओवुलेटरी फेज देन सेकेंड मेंस्ट्रुअल स्टॉप अप टू चाइल्ड बर्थ। बी करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9। साइक्लिक चेंजेस इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस एंड ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल्ड बाय हार्मोन सिक्रेटेड यूटेरस एंड ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड पिच्यूटरी ग्लैंड। नंबर थर्ड पिच्यूटरी ग्लैंड एंड थायरॉयड ग्लैंड। नंबर थर्ड एंटेरियर पिच्यूटरी एंड ओवरी। एंड फोर्थ एंटेरियर पिच्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिच्यूटरी। साइक्लिक चेंजेस इन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते, यूटेरस में साइक्लिक चेंजेस होते, वो जो चेंजेस होते ओवरी में, दिस चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो हार्मोन उस चेंजेस को कंट्रोल करता है। तो जो हार्मोन रिलीज होता है, हार्मोन इज इट यूटेरस ओवरी से निकलता है, पिच्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड से होते, एंटेरियर पिच्यूटरी ग्लैंड और ओवरी से होता है, एंटेरियर पिच्यूटरी ग्लैंड और पोस्टेरियर पिच्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन सी, एंटेरियर पिच्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स, जिसे हम कहते हैं FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अल्सो ओहरी प्रोड्यूस करती है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो एंटेरियर पिच्यूटरी एंड ओहरी सिक्रेटेड हार्मोन्स दैट कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड दैट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिक चेंजेस ऑफ एंडोमेट्रियम एंड यूटेरस ऑफ द ओहरी। सीन हियर एक्सप्लेनेशन, यू नो ओहरी इंटरनल स्ट्रक्चर। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब ऑकर्स होती है तो प्रोलिफरेटिव फेज में फॉलिकल्स डेवलपमेंट होते हैं और वो फॉलिकल डेवलपमेंट FSH पिच्यूटरी के स्टिमुलेशन से होता है। तो जब पिच्यूटरी ग्लैंड का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को, तो प्राइमरी सेकेंडरी मैच्योर एंड ग्राफाइन फॉलिकल डेवलप होते, और ग्राफाइन फॉलिकल का जो थी का इंटरनल लेयर होता है वो ओवेरियन हार्मोन रिलीज करता है इस्ट्रोजन। एंड FSH एंड इस्ट्रोजन, FSH हार्मोन पिच्यूटरी का होता है, इस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी का होता है। सो दिस टू हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिक चेंजेस ऑफ एंडोमेट्रियम एंड यूटेरस। ऑल्सो एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन LH हार्मोन रिलीज होता है पिच्यूटरी से और वो एक्शन करता है ग्राफाइन फॉलिकल पर, फिर ग्राफाइन फॉलिकल रप्चर्ड होता है, मीन्स ओवुलेशन प्रोसेस होती है एंड वन ओहम रिलीज होता है। तो जो एम्प्टी ग्राफाइन फॉलिकल होता है बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम से ओवेरियन हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन। सो
प्रोजेस्टेरॉन, LH, एस्ट्रोजन एंड FSH जो फोर हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल करने के लिए, तो फोर में से टू एंटेरियर पिच्यूटरी से निकलते हैं जो FSH और LH कहलाते हैं, और टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ओवरी के होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन सी, एंटेरियर पिच्यूटरी एंड ओवरी से सिक्रेटेड होने वाले जो हार्मोन्स है वो कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। होप दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ एमसीक्यू नंबर 10, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इंसेमिनेशन, गेस्टेशन, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन। ये जो सीक्वेंस यहाँ पर देखने मिल रहा है आपको, ये ऑप्शन में गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इंसेमिनेशन सीमेन इंट्रोड्यूस इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, गेस्टेशन प्रेगनेंसी पीरियड, इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इनटू द एंडोमेट्रियम एंड पार्चुरेशन। तो ये सीक्वेंस करेक्ट आपको नहीं दिखता है क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के बाद डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इंसेमिनेशन होता है। सो ये सीक्वेंस रॉन्ग दिख रहा आपको। गैमेटोजेनेसिस इसके बाद इंसेमिनेशन होता है, करेक्ट, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, यस, इसके बाद इम्प्लांटेशन और देन पार्चुरेशन देन गेस्टेशन। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि पार्चुरेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ प्रोसेस, वो तो लास्ट इवेंट है। नंबर सी, गैमेटोजेनेसिस गैमेट फॉर्मेशन होता है, इंसेमिनेशन गैमेट्स मीन्स स्पर्म इंट्रोड्यूस इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, देन फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज, देन इम्प्लांटेशन, देन गेस्टेशन मीन्स प्रेगनेंसी एंड देन पार्चुरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन हेयर दिख रहा है सी। देख लेते हैं डी करेक्ट है क्या, गैमेटोजेनेसिस उसके बाद फर्टिलाइजेशन पार्चुरेशन देन इंसेमिनेशन मीन्स ए सीक्वेंस गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट इवेंट गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होते, गैमेट्स यूनाइटेशन के लिए इंसेमिनेशन होता है मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूड इंट्रोड्यूस इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट जिसको हम सीमेन बोलते हैं, उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में होता है इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है एंडोमेट्रियम को, फिर गेस्टेशन स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी पीरियड एंड लास्ट चाइल्ड बर्थ प्रोसेस होता है पार्चुरेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अप टू दिस आपने देखी ऐसे 10 MCQs जो ब्रेन टीजर कहलाते हैं। नो डाउट ऑल 10 MCQs आपने देखे एक्सप्लेनेशन के साथ। इफ यू लाइक द वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब माई YouTube Bio Info Channel, tap the bell icon, like the video. If any doubt about today's lecture, mention in comment box. Thank you.